अमेरिका और रूस दोनों महाशक्ति आमने सामने इस वक्त मौजूद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने भी आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिए हैं। बाइडन ने तो पुतिन को कसाई तक कह डाला। दो महाशक्ति इस तरह एक दूसरे को भड़काना ही तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा करती है। पुतिन ने ऐसे परमाणु हथियार विकसित किए हैं जो युद्ध का नतीजा बदल सकते हैं। अब अमेरिका और यूरोप की खुफिया एजेंसियां यह पता लगाने में जुट गई हैं कि क्या जिन परमाणु पनडुब्बियों को रूस ने उत्तर अटलांटिक महासागर में उतारा है उनमें परमाणु हथियार लोड किए गए हैं या फिर नहीं। पुतिन यूक्रेन के साथ इस युद्ध में पीछे हटते हुए नहीं बल्कि आक्रामक नजर आना चाहते हैं। साल 2014 में जब पुतिन ने क्रीमिया पर कब्जा किया था उस वक्त भी अपनी परमाणु पनडुब्बियों का इस्तेमाल दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए किया। युद्ध के पहले दिन से ही रूस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर नेटो या अमेरिका ने उकसाया तो परमाणु हमला करने से भी नहीं चूकेंगे। लेकिन अब युद्ध के चार हफ्ते बीत जाने के बाद बाइडेन ने पोलैंड का दौरा किया है और पुतिन को धमकाने का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है। He's a butcher. पोलैंड में जो बाइडेन से पत्रकारों ने ये सवाल पूछा कि वो पुतिन के बारे में क्या सोचते हैं तो बाइडेन ने सीधा जवाब दिया कि पुतिन एक कसाई है। You're dealing every day with Vladimir Putin. Look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. यूक्रेन की युद्ध भूमि से बेहद नजदीक पोलैंड से यह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का पुतिन को बहुत कड़ा संदेश है। पोलैंड की राजधानी वर्सा में जो बाइडेन ने आधे घंटे का भाषण दिया है अब तक तो सिर्फ पुतिन ही धमकियां दे रहे थे लेकिन अब जो बाइडेन ने आक्रामक रूप अख्तियार कर दिया है। 24 घंटे में दो बार जो बाइडेन ने पोलैंड की जमीन से पुतिन को धमकाया है। सबसे पहले जो बाइडेन ने पुतिन को धमकी दी कि अगर यूक्रेन पर रासायनिक हमला किया गया तो जवाब जरूर देगा और 24 घंटे के अंदर ही दूसरी बार बाइडेन ने पुतिन को धमकाते हुए कहा कि नेटो की जमीन पर एक इंच भी बढ़ने के बारे में मत सोचना। शीत युद्ध के कई दशकों बाद पहली बार दुनिया की दो महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हो गई हैं और युद्ध की मुद्रा में खड़ी हो गई हैं। पुतिन का एक कदम नाटो और अमेरिका को युद्ध में घसीट देगा और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया तीसरा महायुद्ध देखेगी। रूस और यूक्रेन का महायुद्ध अब 33वें दिन तक आ पहुंचा है और इस बीच आज से दोनों देशों के बीच एक नए दौर की बातचीत शुरू होने जा रही है। ये बातचीत तुर्की में होगी जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और खबर है कि बातचीत का ये दौर आज से 30 मार्च तक यहां पर चलने वाला है जिसमें युद्ध विराम के तमाम पहलुओं पर बातचीत के साथ साथ यूक्रेन पर रूस की शर्तें मानने का दबाव भी नजर आ सकता है क्योंकि रूस कह रहा है कि जो शर्तें रखी गई हैं उसकी तरफ से वो यूक्रेन को माननी होगी तब युद्ध विराम के बारे में सोचा जा सकता है। साथ उनकी सहयोगी पार्टियां भी छोड़ चुकी मतलब ये कि जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई इमरान की कुर्सी गई। आरोप लग रहे हैं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान जादू टोना तक करा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस जादू टोने में उनका साथ दे रही हैं उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बीबी। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने दावा किया कि इमरान के घर में जादू टोना किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस दावे के जरिए